बड़ी खबर सामने आ रही है जाबर खैर की। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, सोनीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोनीपत से। सोनीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खैर की लकड़ी के अवैध तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। 1 करोड़ रुपए की खैर की लकड़ी पुलिस की ओर से बरामद की गई। तो चालक और परिचालक को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कामयाबी सोनीपत पुलिस के हाथ लगी है। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें ये बड़ी खबर, जहां पर सोनीपत की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खैर की लकड़ी के अवैध तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। तो NH 44 पर 1 करोड़ रुपए की लकड़ी पकड़ी गई है और चालक और परिचालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर, 1 करोड़ रुपए की खैर की लकड़ी बरामद की गई है। चालक और परिचालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार पूछताछ की जा रही है। बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो अवैध तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। खैर की लकड़ी के अवैध तस्करों पर अब ये कार्रवाई की गई है। NH 44 पर 1 करोड़ रुपए की लकड़ी पुलिस की ओर से पकड़ी गई। चालक और परिचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 3 मई को रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सुनील बनवाला ने थाना मुथल में शिकायत दी कि मान डब्बा के नजदीक हाईवे पर एक ट्रक खैर की लकड़ियों से भरा खड़ा है, जो सभी लकड़ियां अवैध हैं, जिस पर थाना पुलिस ने रेंज फॉरेस्ट टीम के साथ मौके पर जाकर ट्रक व लकड़ियों को कब्जे में ले लिया है। वह ट्रक के चालक पुष्पेंद्र व क्लीनर अजय को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। मामले की तफ्तीश जारी है। हमारे संवाददाता राम सिंह मार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम सिंह मार, बड़ी कार्रवाई सोनीपत पुलिस की ओर से की गई है, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब पुलिस को इनपुट कहां से मिला और अब किस तरह से आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए देखिए, जिस प्रकार से सोनीपत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, NH 44 पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें खैर की अवैध रूप से लकड़ी जो है वो भरकर रखी गई है और उसे कहीं ना कहीं यही सप्लाई किया जाना है। और ऐसे में करीबन बात करें तो पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत प्रभाव से जो है वहां पर ड्राइवर और चालक और परिचालक से पूछताछ की, तो मौके पर किसी प्रकार की कोई बिल्टी और कागजात वो पेश नहीं कर पाए और जिसके चलते उसे जो है थाने में लाया गया है। फिलहाल अगर बात करें तो मुरथल थाना के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है और करीबन लकड़ी जो पकड़ी गई है करीबन 1 करोड़ रुपए की कीमत उसकी आंकी जा रही है और दोनों आरोपी जो चालक परिचालक है वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें दोनों आरोपी पुष्पेंद्र और दूसरा अजय दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और पुलिस ने वन विभाग एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका राम सिंह मार जानकारी के लिए। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस की ओर से की गई है। सोनीपत पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। चालक और परिचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही आपको बता दें कि सोनीपत पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है और 1 करोड़ की खैर की लकड़ी पुलिस ने बरामद की है। खैर की लकड़ी के अवैध तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। 1 करोड़ रुपए की खैर की लकड़ी पुलिस ने बरामद की है और लगातार आरोपियों से भी पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है। तो आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें NH 44 पर 1 करोड़ रुपए की खैर की लकड़ी पुलिस की ओर से बरामद की गई है। चालक और परिचालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की। तो दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और अवैध तस्करों पर अब शिकंजा कसा गया है।